अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश विदेश, राजनीति, खेल जगत और क्षेत्र की बड़ी खबर देखिए मॉर्निंग सुपर फाइव में। निर्भया के गुनहगारों को कल सुबह फांसी होगी या नहीं, ये एक संशय बना हुआ था। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल निर्भया के एक दोषी पवन कुमार ने फांसी से 3 दिन पहले यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC को निर्देश देने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर भी आज सुनवाई होगी। कोहली की कप्तानी पर लगा दाग, 8 साल बाद टीम इंडिया का सुपड़ा स्टार। सितारों से सजी भारतीय टीम एक बार फिर कागजी शेर साबित हुई, जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे टेस्ट में 3 दिन के भीतर ही 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत के 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 36 ओवर में 3 विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की। शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 290 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। इन परियोजना में प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को सर्टिफिकेट व धनराशि के चेक भी बांटे गए। कोरोना से अमेरिका में 2 लोगों की मौत, दुनिया में आंकड़ा पहुंचा 3,000 के पार। दुनिया भर में अब तक 88,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दुनिया में 3,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बता दें कि ईरान कोरोना वायरस का नया गढ़ बन गया है, जहां तेजी से लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इटली में कोरोना से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां 1576 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। शाहीनबाग के आसपास के इलाकों में अफवाहों के चलते धारा 144 लागू। जी हां, रविवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में अफवाहों से दिल्ली एक बार फिर दहल उठी, जिसके चलते लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, बाजारों में दुकानें व मॉल बंद हो गए। साथ ही 6 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई, इसलिए धरना स्थल के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। आज मॉर्निंग सुपर फाइव में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।